दोस्तों, क्या आपके व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन में मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, मैसेज सेंड करते टाइम फेल्ड दिखा रहा है, या फिर सेंडिंग हो रहा है लेकिन सेंड नहीं हो रहा है मैसेज, तो उस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है व्हाट्सएप है एप्लीकेशन है मेरा व्हाट्सएप बिजनेस, और यहाँ पर मैं दोस्तों इस पर मैसेज सेंड किया था तो ये मैसेज सेंड नहीं हुआ था अभी। तो फिलहाल दोस्तों मैंने वो मैसेज डिलीट कर दिया है। तो अगर उस तरीके का आपको प्रॉब्लम होगा तो आपको क्या करना है, आपको दोस्तों पहले स्टेप में आपको व्हाट्सएप बिजनेस पे थोड़ा देर के लिए क्लिक करके रखना है। तब तक क्लिक करके रखना है जब तक कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ना आ जाए। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन दिखेगा आई बटन का, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो अब आपको क्या क्या करना है आपको ध्यान से देखना है। पहले आपको फोर्स स्टॉप कर लेना है, फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर फिर से फोर्स स्टॉप पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टोरेज यूजेज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों क्लियर कैच कर देना है, क्लियर कैच करके और यहाँ से बैक आ जाना है। ये दोनों करने से दोस्तों जो छोटा मोटा ग्लिच वगैरह होता है, बग वगैरह होता है, वो ठीक हो जाता है, और छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों कोई बड़ा प्रॉब्लम होगा सेटिंग से रिलेटेड तो वो प्रॉब्लम आपका ठीक नहीं होगा यहाँ से। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको डाटा यूजेज डिटेल्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये दो सेटिंग को आपको ध्यान से देखना है, डिसेबल मोबाइल डाटा एंड डिसेबल वाईफाई। ये दोस्तों यहाँ पे डिसेबल होना चाहिए, मतलब ऑफ होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अगर ये ऑन होगा इस तरीके से तो दोस्तों यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि डिसेबल मोबाइल डाटा है। ये दोस्तों डिसेबल हो जाएगा मोबाइल डाटा आपके व्हाट्सएप बिजनेस एप्लीकेशन से, तो आपको इसे ऑफ करके रखना है। तो इस तरीके से आपको करके रखना है और यहाँ से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे परमिशन के ऑप्शन में कुछ नहीं करना है क्योंकि मैसेज का प्रॉब्लम है। तो अब यहाँ से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपके अपने फ़ोन में प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ढूंढना है और ढूंढने के बाद उस पर क्लिक कर देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है। और ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च आइकन पे जाना है एंड यहाँ पे सर्च करना है बिजनेस व्हाट्सएप। व्हाट्सएप बिजनेस को यहाँ पे सर्च कर लेना है, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया है। और यहाँ पे देखना है आपको कि कोई अपडेट आया है या नहीं आया है। अपडेट आया होगा तो आप अपडेट कर लेंगे। कभी कभी दोस्तों अपडेट के कारण भी प्रॉब्लम आ जाता है, पुराना वर्जन हो जाने के कारण ये स्लो वर्क करता है और ढंग से काम नहीं करता है। तो आपको हमेशा अपडेट करके रखना है एप्लीकेशन को, चाहे बिजनेस व्हाट्सएप हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन हो, आपको अपडेट करके रखना है, फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगा। आप यहाँ पर दोस्तों इस पर क्लिक करके और अपडेट कर लेंगे, और अपडेट करने के बाद दोस्तों आपका प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।